हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बस कुछ ही देर पहले मैंने एक व्लॉग अभी ख़त्म किया है और अभी शाम के टाइम से मैं दोबारा और एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जो लोग अभी तक मेरे लास्ट व्लॉग देखे नहीं है वो लोग प्लीज़ जाके चेक कीजिए, बहुत एक्साइटिंग सी व्लॉग है। मेरे पापा आए हुए हैं वेस्ट बंगाल से बैंगलोर आज ही, और पापा वेस्ट बंगाल से इस बार हमारे लिए क्या क्या लेके आए हैं, विंटर स्पेशल बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की है। वैसे जिन लोगों ने देख लिया है उन लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है काफ़ी ज़्यादा। एनीवेज, तो अभी दोबारा मैं व्लॉग यहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के टाइम से, इस वजह से क्योंकि आज हमारे घर पे रात के टाइम पे बनने वाला है कुछ खास डिनर, कुछ स्पेशल डिशेस, क्योंकि विंटर तो आ गया है लेकिन बैंगलोर में तो विंटर का कुछ पता चलता ही नहीं है। यहाँ पे तो पूरा साल ही सेम काइंड ऑफ वेदर रहता है, ना इतना ज़्यादा ठंडी ना ही गर्मी, एकदम मतलब स्प्रिंग सीजन रहता है पूरा साल तक। तो इस सीज़न में ना ही हम लोग अच्छे से गर्मी एंजॉय कर पाते हैं, ना ही मानसून ना ही विंटर, तो क्या करें। अभी आफ्टरऑल हम लोग बंगाली हैं, विंटर के टाइम पे विंटर स्पेशल खाना वगैरह बना के खाएंगे नहीं घर पे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पापा को मैंने कुछ चीज़ों का डिमांड दी थी जो कि पापा वेस्ट बंगाल से बैंगलोर लेके आए हैं, तो लास्ट ब्लॉग अगर आप लोग चेक करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को दिख ही जाएगा कि पापा क्या क्या लेके आए हैं। तो उन सारे चीज़ों से ही आज हमारा डिनर कुछ खास बनने वाला है। तो विंटर स्पेशल हम लोग आज घर पे बनाने वाले हैं दूध पुली, यानी पीठे पुली जो होता है ना। तो विंटर आ गया है, संक्रांति भी क्रॉस हो चुकी है। आप लोगों में से किसी एक ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, व्लॉग में मेंशन भी किया था, मतलब कमेंट भी किया था मुझे कि संक्रांति में आप लोग कुछ बनाए ही नहीं बंगाली स्पेशल कुछ डिश वगैरह, कैसे बनाते, क्योंकि घर पे कुछ सामान था ही नहीं। मैं बस वेट कर रही थी कि पापा एक बार आ जाए, सारा सामान लेके आएंगे, फिर हम लोग बना के खाएंगे और हम लोग संक्रांति विंटर सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे। तो फाइनली पापा गुड़, हमारे गांव का एकदम ऑर्गेनिक प्योर खजूर का गुड़ और खोआ, साथ में चावल का आटा वगैरह सब लेके आए हैं, तो आज बनाऊंगी। तो आज डिनर में हमारा रोटी, साथ में एक सब्जी बनेगा और दूध पुली मैं और मम्मी हम दोनों मिलके बनाएंगे। तो चलिए किचन में, थोड़ा थोड़ा जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को शेयर करती जाऊंगी। बहुत एक्साइटेड फील हो रही है। हम लोग ना मीठा चीज़ वैसे इतना ज़्यादा पसंद करते नहीं है, लेकिन साल में एक बार ये सारी विंटर स्पेशल चीज़ें बना के खाना तो बनता ही है ना, अदरवाइज़ वो फील ही नहीं आता कि हम लोग बंगाली है और अभी विंटर चल रहा है। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पापा वेस्ट बंगाल से जो चावल का आटा वगैरह लेके आए थे ना, मम्मी ने यहाँ पे डो बना लिया है। थोड़ा सा गेहूं का आटा, चावल का आटा सब मिला के गर्म पानी से डो बनाना होता है, और अभी छोटे छोटे बॉल में मम्मी इसको अभी शेप दे रही है। और किचन में मैं क्या कर रही थी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं, मम्मी, हम दोनों मिल के ही बनाएंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे खोआ जो है उसको अच्छे से रेडी कर लिया है। खोआ तो रॉ फॉर्म में आता है ना, तो इसको थोड़ी सी दूध और थोड़ी सी चीनी डाल के अच्छे से पकाना पड़ता है। जब तक ये कलर नहीं आएगा और ऐसा टेक्सचर नहीं आएगा ना, तब तक इसको चलाते रहना होता है। तो ये हो गया है, अभी ठंडी भी हो गई है, तो स्टफिंग के लिए एकदम रेडी है। और यहाँ पे है खजूर का गुड़ जो कि पापा वेस्ट बंगाल से लेके आए हैं, हमारे गाँव का एकदम ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है और बाकी का रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि एकदम ऑर्गेनिक है ना तो बहुत ही जल्दी गल जाता है अगर बाहर के टेम्परेचर में रहेगा तो। और बाकी यहाँ पे है दूध, क्योंकि दूध पुली है तो दूध में ही बनेगा। तो यहाँ पे एक लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है, इसमें ही हम लोग पुली को बॉयल करने वाले हैं। तो चलिए अभी ये प्लेट लेके चलते हैं मम्मी के पास और बनाना स्टार्ट करते हैं दूध पुली, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। थोड़ा ना तो माँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। कोई भी अगर अकेला बनाने के लिए जाएगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं और मम्मी दोनों मिलके फटाफट से बना लेंगे। मुझे भी आता है बनाना, मैं मम्मी के साथ बचपन से ही थोड़ा बहुत कोशिश करती थी बनाने के लिए, तो प्रॉपर वो बिना साँचे का भी शेप देना मुझे आता है कि कैसे शेप देना पड़ता है। तो चलिए मैं और मम्मी हम दोनों मिल के अभी फटाफट से बना लेते हैं। Thank you.
देखिए हमारा सारे पूली बनाना यहाँ पे हो गया है। थोड़ा सा आटा बच गया था तो मम्मी ने यहाँ पे चूसी पीठे बना लिया है, इसको बोलते हैं चूसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे टाइप के शेप्स हैं जो कि मैंने और मम्मी ने मिलके बनाए हैं। तो ये एक टाइप का शेप यहाँ पे गोल गोल बनाए हैं, यहाँ पे थोड़ा लंबा शेप का भी बनाए हैं, ये गोल वाला भी बनाए हैं। बहुत सारे डिज़ाइन के हम लोग बनाए हैं बिना साँचे का, मतलब हमारा टैलेंट आप लोग समझ सकते हो ना, इतना सब कुछ आता है हम लोगों को। और थोड़ा सा आटा बच गया था जिसके साथ मम्मी ने चूसी पीठे भी बना लिया है। हाँ, ये एक्चुअली पुली का डिज़ाइन होता है और ये होता है पीठे का डिज़ाइन, है ना। तो सब मिला के पुली पीठे। चलो अभी इसको डाल देना है दूध में, है ना। पीठे पुली बनाने के बाद यहाँ पे हमारा डिनर बनाना भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मम्मी ने आटा लगा के रोटी बना लिया है और मैंने आज बना लिया है सब्जी। एक्चुअली मेरा प्लानिंग क्या था पता है, मैं सोच रही थी आलू फूलगोभी मटर और पनीर डाल के ये रोटी के साथ खाने के लिए एक सेमी ग्रेवी काइंड ऑफ सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन मैं इसमें पनीर डालना ही भूल गई। एंड में मुझे याद आया कि पनीर ही नहीं डाला, तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, पनीर कल बना लेंगे। और ये देखिए मम्मी का स्पेशल गुब्बारे की तरह रोटी। और ये देखिए ये रहा हमारा दूध पुली। अभी तो गर्म है ना, जिस वजह से थोड़ा सा अभी पतला लग रहा है, ठंडा होते ही ये थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा। तो दूध पुली भी यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। तो ये दूध पुली का जो असली मज़ा है ना, वो आज रात को खाने से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम लोग इसको कल सुबह, हाँ कल सुबह जब बासी खाएंगे, क्योंकि कल सुबह तक ना ये थोड़ा और गाढ़ा बन जाएगा और उस टाइम पे फ्रिज में हम लोग रख देंगे ना, तो ठंडी ठंडी अगर पुली पीठे हम लोग खाएंगे तो उसका ही असली मज़ा है। तो ठीक है चलिए, इतना मेहनत करके जब बनाए हैं तो रात के टाइम पे रोटी और सब्जी के साथ थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करेंगे और बाकी रख देंगे फ्रिज में, कल सुबह इसको हम लोग बासी खाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम अभी हो रही है सुबह के 9:30। हम लोग आज नींद से उठ गए थे लगभग 6 बजे के आसपास ही, क्योंकि उस टाइम पे मेड आ जाती है ना काम करने के लिए। तो आज मैं और सौरभ उठने से पहले ही, इवन मम्मी उठने से पहले भी पापा ही उठ गए थे। पापा को मैंने रात के टाइम पे ही बोल के रखी थी कि पापा मेड आ जाएगी 6 बजे, अगर आपको बेल पहले सुनाई देता है तो आप दरवाज़ा खोलना, अदरवाइज जिसको सुनाई देगा वो दरवाज़ा खोल देता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना मम्मी को भी शायद नींद नहीं खुलती है, तो सौरभ या तो फिर मैं उठ के खोल देते हैं दरवाज़ा। आज पापा को सबसे पहले बेल सुनाई दिया तो पापा उठ के दरवाज़ा खोल दिए थे, मेड वगैरह काम करके चली गई। फिर मैं तो वैसे ही लेटी हुई थी, सौरभ भी थोड़ी देर लेटा हुआ था क्योंकि उसका ऑफिस था रात के 1:30 बजे तक। उसका ऑफिस वगैरह कंप्लीट होने के बाद फिर वो गया था सोने। अभी सुबह के टाइम पे चाय नाश्ता करके पापा और सौरभ निकल गए हैं। वो लोग एक्चुअली गए हैं हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल गए हैं, पापा का आज चेकअप है। तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि इतना शॉर्ट नोटिस में पापा अचानक से कैसे बैंगलोर आ गए। शॉर्ट नोटिस कुछ नहीं था, एक्चुअली हमें पहले से ही पता था कि पापा आने वाले हैं, मतलब कुछ ही दिन में, क्योंकि लास्ट टाइम जब पापा आए थे ना मेरे बहन के एडमिशन के टाइम पे बैंगलोर, तो उस टाइम पे पापा ने डॉक्टर चेकअप वगैरह करवाए थे। तो थोड़ा सा पापा को इशू हो रहा था कुछ मेडिकल चीज़ों में, उसी रिलेटेड ही पापा चेकअप के लिए गए थे। और डॉक्टर ने बोला था कि कुछ महीने बाद दोबारा फॉलोअप के लिए आना है, तीन महीने मोस्ट प्रोबेबली। तो 3 महीने हो चुका था, तो हमें पता था कि 3 महीने बाद पापा दोबारा आने वाले हैं। तो सौरभ ने तो कुछ दिन पहले टिकट वगैरह ऑलरेडी पापा का बुकिंग सब कुछ करके ही रखा था, तो इसीलिए ही पापा कल आ गए हैं स्पेशली पापा के चेकअप के लिए ही। तो सौरभ बिना देर किए आज ही तुरंत अपॉइंटमेंट लेके वो चला गया है पापा को लेके हॉस्पिटल। अपॉइंटमेंट एक्चुअली 15-20 दिन पहले लेके रखा था सौरभ ने, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ना बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, शायद न्यूरोलॉजी का डॉक्टर है, तो इनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लोग 1-1.5 महीने पहले से भी अपॉइंटमेंट लेके रखते हैं, तो सौरभ भी लेके रखा था 15-20 दिन पहले से ही। तो आज है अपॉइंटमेंट, 10 बजे से अपॉइंटमेंट है, तो वो लोग घर से 9 बजे के आसपास चाय नाश्ता करके निकल गए हैं। मैं अभी हूँ घर पे, मैं अभी घर का कुछ छोटा मोटा काम वाम कर रही हूँ। ये जो मम्मी पापा का रूम है, इस रूम का भी मैं बिस्तर वगैरह लगाऊंगी। हमारा मास्टर बेडरूम का बिस्तर वगैरह भी मुझे ठीक करना है। और मेरा और मम्मी का अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, तो मेरा और मम्मी का ब्रेकफास्ट भी करना है, वो सब कुछ मम्मी संभाल रही है। तो चलिए फटाफट से काम वाम स्टार्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दवाई लेते हैं, फिर सौरभ हॉस्पिटल से फ़ोन करेगा कि डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को दोबारा अपडेट दूंगी। तो ये रहा आज का हमारा ब्रेकफास्ट, रोटी
साथ में यहाँ पे मम्मी ने बनाई है चने का दाल पनीर डाल के, और ये है कल रात का दूध पुली। ये ना जितना ठंडा होता है और जितना बासी होता है उतना ही इसका असली मज़ा जो है ना वो निगर के आता है। कल रात के टाइम पे जब हम लोग खाए थे उस टाइम पे तो बहुत बढ़िया लगा था, लेकिन आज सुबह के टाइम पे जब अभी हम लोग खाएंगे ना ये बासी और ठंडी वाली, तो इसमें और ज़्यादा स्वाद आएगा। तो ये हम लोग पुली पीठा जब भी बनाते हैं ना रात को, हम लोग बहुत ही कम क्वांटिटी में खाते हैं और मेनली हम लोग खाते हैं ये नेक्स्ट दिन। जो लोग बंगाली है वो लोग तो शायद रिलेट कर ही पा रहे होंगे। तो चलिए अभी चने का दाल साथ में पनीर और दूध पुली और रोटी के साथ कर लेते हैं आज का ब्रेकफास्ट। मुझे ना सच बोलूँ तो भूख भी लग गई है, 9:30 बज गया है ना। अरे हाँ, कल तो डिनर का मैं आप लोगों को रिव्यू देना ही भूल गई। एक्चुअली रात के टाइम पे ना इतना सब कुछ करने के बाद इतना टायर्ड फील हो रही थी और सच बोलूँ तो नींद भी आ रहा था काफ़ी, क्योंकि कल दोपहर के टाइम पे ना सो ही नहीं थी। ठीक है, पापा आए थे तो वो सारी चीज़ों के एक्साइटमेंट वगैरह था, तो कल दोपहर को एकदम से नींद नहीं हुआ था। रात के टाइम पे कल 10:30 के आसपास मैं सो गई थी। पता नहीं 10:30 यूजुअली मुझे नींद आती नहीं है कभी, लेकिन कल मैं 10:00 तक चली गई थी बेड पर सोने के लिए। 10:30 तक मैं सो गई थी, वीडियो एडिटिंग भी नहीं हो पाया था। तो पूली तो एकदम एक्सीलेंट बनी थी। ठीक है, मम्मी इतना अच्छा बनाती है ना ये सारे चीज़ें, मेरी दादी माँ से ही सीखी है मम्मी ने, मेरी दादी माँ भी ऐसे ही बनाती है। तो दूध पूली तो एकदम एक्सीलेंट बनी थी, साथ में सब्जी रोटी सारी चीज़ें बहुत अच्छा बना था। तो हम लोग एकदम विंटर स्पेशल डिनर जो है एकदम दबा के हम सब लोग इन्जॉय किए, करने के बाद खाना वाना खा के हम सब लोग मिल के सो गए थे। और रात के टाइम पे और ब्लॉग फिर कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। अभी मैं सोच रही हूँ, अरे हाँ रात का तो रिव्यू देना ही मैं भूल गई थी, इतना मेहनत करके टाइम टेकिंग चीज़ें हम लोग बनाए हैं, लेकिन बोलना ही भूल गए आप लोगों को कि कैसा बना है, एकदम टॉप। तो मम्मी अभी गई है हमारे बिल्डिंग के नीचे जो एक मार्केट है ना सब्जी मार्केट, उधर गई है मम्मी, क्योंकि घर पे कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गया है। सौरभ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, लास्ट 1-2 दिन से बाज़ार जाके फ्रेश सब्ज़ी खरीद के लेके आए। और ऑनलाइन में मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन ऑनलाइन में ना लास्ट कुछ दिन से सब्ज़ी वगैरह थोड़ा महंगा आ रहा है। तो सौरभ ने बोला कि छोड़ दो, ऑनलाइन से मत खरीदो, अगर मम्मी पापा या सौरभ किसी को अगर टाइम मिलेगा तो तीनों में से कोई जाके नीचे से खरीद के लेके आएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बार्गेनिंग भी कर लेते हैं और सुबह के टाइम पर बहुत फ्रेश सब्ज़ी भी आती है। तो सौरभ और पापा तो जैसे सुबह सुबह चले गए हैं ना हॉस्पिटल के लिए, तो उन लोगों को टाइम नहीं मिला। तो मम्मी ही अभी चली गई है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना मुझे अच्छा नहीं लगता रेडी वेडी होके फिर सब्जी खरीदने जाओ। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप चले जाओ, मैं घर का सब कुछ संभाल लेती हूँ। तो मैं अभी बेड वेड लगाना, घर साफ सफाई थोड़ा बहुत मैं ये सब कुछ कर रही थी। तो मम्मी चली गई है नीचे। लास्ट ब्लॉग में तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि पापा वेस्ट बंगाल से लेके आए हैं चने का साग। तो चने का साग तो ऐसे ही सिंपल नहीं बनता है, उसके साथ थोड़ा सा पालक का साग भी मिक्स करना पड़ता है। तो मम्मी सुबह जब मार्केट गई थी पालक का साग लेके आ गई थी, क्योंकि घर पे पालक का साग बिल्कुल भी नहीं था, और पालक के साग के बिना ना चने का साग बिल्कुल भी अच्छा बनता नहीं है, और बैंगन भी चाहिए होता है इस रेसिपी में। तो मम्मी ने यहाँ पर साग बना लिया है ऑलरेडी, मतलब चल ही रहा है बनाना, चने का साग, पालक का साग, बैंगन और वड़ी, गाँव का वड़ी। इतना सब कुछ डाल के यहाँ पे साग बन रहा है। और कुकर में आलू और करेला बॉईल होने के लिए डाली है, क्योंकि बनेगा आलू करेले का भरता, यानी बंगाली में जिसको बोलते हैं हम लोग करोला सेद्दो। और साथ में ये है बॉक फूल जो कि पापा लेके आए हैं ना वेस्ट बंगाल से, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके अंदर एक डंठल जैसा एक चीज़ होता है, उसको फेंक देना पड़ता है, और इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। बेसन डाल के इसका बनेगा पकौड़ा, गर्मा गर्म ये खाना खाते टाइम फ्राई कर लूँगी, मैं ही बनाऊँगी ये रेसिपी। और दाल ऑलरेडी बन गया है, चावल बन गया है, और यहाँ पे बनेगा ओल कॉपी का एक सब्ज़ी। ओल कॉपी को हिंदी या इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जमीन कंद, अच्छा जमीन कंद की सब्ज़ी, हाँ हाँ। तो आलू और ओल कॉपी यहाँ पे मम्मी ने बॉईल कर लिया है कुकर में, और इसमें ग्रीन पीस भी जाता है, तो इसकी एक सब्जी बनेगी जो कि मम्मी बनाएगी। बस और तो कुछ नहीं है ना आज का रेसिपी, दाल, हाँ दाल तो बता दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बैंगलोर आने से कुछ दिन पहले पापा गए थे अपने दोस्तों के साथ पूरी जगन्नाथ मंदिर, और वहाँ से प्रसाद वगैरह लेके आए थे हम सबके लिए। तो हम लोगों ने तो कल थोड़ा थोड़ा करके खाई है, अभी भी काफ़ी सारा प्रसाद है, तो थोड़ा सा दोस्त लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तो हमारे जो नेबर है ना जो हमारे फ्लोर में ही रहते हैं, उनका एक प्लेट ऑलरेडी हमारे पास था, तो उनके प्लेट में ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनको प्रसाद दे रही हूँ। ये जो लंबा सा प्रसाद है ना इसको बोलते हैं पूरीर गौजा, पूरी का ये फेमस है, तो उनको ये प्लेट दे के आती हूँ। और बाकी जोसना के लिए भी मैंने रख दी है, जोसना नहीं है बैंगलोर में, जोसना गई है होम टाउन, उनका कुछ फंक्शन वगैरह है, फैमिली फंक्शन,
तो वो ख़त्म करके वो आ जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों तक। उसके बाद ज्योत्सना को भी दूंगी और शर्मिता को भी थोड़ा सा भेजूंगी, हमारे मेट को भी दूंगी। आज ही मैं मेट को देने वाली थी लेकिन वो इतना सुबह काम पे आती है ना, उस टाइम पे बिल्कुल भी नींद में, इतना ज़्यादा नींद में रहते हैं, याद ही नहीं रहता है कि उनको मतलब देना है। तो आज रात के टाइम पे ही मेट के लिए थोड़ा सा डब्बे में पैक करके रख दूंगी और जब मेट जाएगी उस टाइम पे उनको प्रसाद दे दूंगी। अभी फ़िलहाल ये हमारे नेबर को दे के आती हूँ। खाद डालने के बाद पेड़ पौधा इतने अच्छे से चल रहे हैं, एकदम हरे भरे हो गए हैं और फूल भी डेली काफ़ी आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मास्टर बेडरूम वाला बालकनी में एक बड़ा सा एकदम डार्क रेड कलर का एक हिबिस्कस आया है, अब देख सकते हो ना कितना बड़ा है ये, मेरे हाथ में पूरा ये आ ही नहीं रहा है, बहुत सुंदर सा है ये वाला कलर। तो जब पूजा करेगी ना मम्मी उस टाइम पर इसको उठाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा हिबिस्कस आया है, ये है पिंक कलर का। और मम्मी अभी यहाँ पे कर रही है कुछ काम, कपड़ा वपड़ा धोना हुआ था सुबह से, ये सारे बेसिकली पापा के कपड़े हैं ट्रैवलिंग का, क्योंकि हमारे उधर से ट्रेन में आना पड़ा ना, तो बेडशीट वगैरह पापा सब कुछ लेके आए थे, तो बेडशीट और जो कपड़ा वगैरह पापा पहन के आए थे तो सब सुबह के टाइम पे ही मम्मी ने मशीन में डाल दिया था और सब धोना हो गया है। तो मम्मी यहाँ पे अभी धूप है ना अच्छा खासा, तो बिछा रही है सूखने के लिए। अच्छा खासा धूप अगर आता है ना तो हमारे बालकनी में सारे कपड़े सूख जाते हैं, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप है। वैसे भी अगर धूप नहीं भी आता है ना कभी कभी बरसात के टाइम पर, तो उस टाइम पर हवा इतना ज़्यादा होती है कि हवा की वजह से भी सूख जाती है। तो टाइम अभी हो रही है दोपहर के 12:05 और मम्मी का तो लंच वंच बनाना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। अभी मैं जाऊंगी नहाने और सौरभ और पापा का भी डॉक्टर दिखाना हो गया है। आज एक्चुअली पापा का दो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, एक 10 बजे और एक 11 बजे, तो दोनों डॉक्टर के पास ही कंसल्टेशन हो गया है और दोनों डॉक्टर ने मिलकर और एक तीसरा डॉक्टर को भी रेफर किया है, बोला है कि उनको भी एक बार विजिट करने के लिए। तो हॉस्पिटल से तो सौरभ ने मुझे कॉल करके इतना डिटेल्स में कुछ बताया नहीं, बस इतना ही बताया है कि थोड़ा सा लेट होगा हमें, क्योंकि अभी तीसरा डॉक्टर रिफ़र किया गया है, तो तीसरे डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के बाद हम लोग घर आएंगे। तो यही सुन के मैं थोड़ा सा वॉरीड हूँ कि ऐसा क्या होगा कि तीसरा डॉक्टर क्यों रेफ़र किया है, किस चीज़ का डॉक्टर है क्या नहीं। तो बाहर है ना सौरभ, जिस वजह से इतना कुछ डिटेल्स में मैंने उसको पूछा भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी अभी टेंशन तो हो रही है, बट आई हैव टू बी वेरी मच स्ट्रांग। इस टाइम पे प्रेगनेंसी पीरियड में टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो सौरभ ने मुझे इतना ही बोला कि ज़्यादा टेंशन मत करो, बाकी घर आके डिटेल्स में बताते हैं। तो अभी मैं और मम्मी वही डिस्कस कर रहे थे कि क्या बताएगा सौरभ, आके ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर ने क्यों तीसरा डॉक्टर रेफ़र किया। तो ठीक है चलिए, अभी तो वेट किए बिना हमारे हाथ में और कुछ ऑप्शन है भी नहीं, वो लोग शायद अभी तीसरा डॉक्टर विजिट करके घर के लिए स्टार्ट भी कर दिए हैं उन लोगों का। हाँ वो लोग शायद घर आ ही रहे हैं, घर आने के बाद ही पता चलेगा, तो आधा अधूरा डिटेल्स तो मैं आप लोगों को दे नहीं सकती। वो लोग घर आएंगे फिर मैं सुनूंगी बैठ के पूरा चीज़, फिर मैं आप लोगों को बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में मोस्ट प्रोबेबली शेयर करूँगी। तो होप फॉर द बेस्ट, थोड़ा सा तो डर भी लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, बट ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों से मिलते हैं कल और एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। अभी मैं नहा धो के फ्रेश फ्रेश हो जाती हूँ, वो लोग आने के बाद एक साथ मिलके लंच वंच कर लेंगे और आप लोगों से कल दोबारा नए ब्लॉग में मिलेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।